पिछले 11 साल से पुलिस विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे चालकों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई है। पुलिस विभाग में नियमित रूप से चालकों की बहाली की जा रही है और संविदा वालों को हटाया जा रहा है। आज संविदा के चालक रेणु देवी डिप्टी सीएम से गुहार लगाने पहुंचे थे। संविदा चालकों का कहना है कि 2010 में इनकी बहाली तमाम मानकों के साथ संविदा पर हुई थी। पहली बार बहाली 11 महीनों के लिए हुई थी और तब से अभी तक 11 साल की सेवा दे चुके हैं और आज नियमित बहाली आने पर इन्हें हटाया जा रहा है। आज संविदा चालकों ने सरकार से गुहार लगाई है और अपनी नौकरी बचाने की मांग की, जिससे कि उनके परिवार वालों का भरण पोषण हो सके। लोगों, हम लोग बिहार पुलिस संविदा चालक हैं। इसकी नियुक्ति 1/2010 विज्ञापन के तहत नियुक्ति किया गया था। हर प्रक्रिया उसमें शारीरिक योग्यता, दक्षता परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल, जो भी प्रक्रिया होता है वो अभी नियमित नियुक्ति चालकों से टाइट हम लोगों का हुआ था। और जो मुख्यालय से जो लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि कंडिका 9 इकरारनामा में हम लोग इकरार किए थे, तो वो उस बात को हम मिथ्या साबित करते हैं, क्योंकि वो इकरारनामा जो था केवल हम लोग 11 महीने के लिए किए थे, ना कि 11 साल के लिए किए थे। हम लोगों का मांग ये है कि उच्च स्तरीय कमेटी का जो सिफारिश, जो सरकार खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त 2018 को जो ऐलान किए हैं कि हम उस पर सहमति दे चुके हैं, तो कम से कम हम लोगों के ऊपर उन अनुशंसाओं को लागू करें, नियमित हम लोगों से सेवा लें, क्योंकि हम लोग सेवा में कहीं कोई भी जिला से कोई कंप्लेन नहीं है। हम लोग टोटल के टोटल लड़का बेदाग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना शिकवा शिकायत है, जिससे कि सरकार को भी ये मौका मिले कि आप लोग का कार्य गलत है। हम लोग का कार्य बहुत ही संतोषजनक है, जो कि विभाग के द्वारा भी लिखा गया है और बोला गया है और वैसा लेटर भी है। हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि मतलब हम लोगों का सेवा नियमित कर दिया जाए, नियमित सेवा लिया जाए। पंकज कुमार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।